तो फ्रेंड्स के यहाँ मम्मी जा रहे हैं अपने होली, मम्मी को लेना है अपना होली के लिए सूट, और राजी हो रही है। बस अब जल्दी सामान लेके अपना घर पे जाएंगे। हम आ गए हैं महरूली की सब्जी मंडी और सब्जी खरीद रहे हैं। सब्जी भी रेडी है, सैलेड भी रेडी है, बस अब रोटी बना रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गाजर घिस चुकी है और कल बनेगा इसके, सॉरी कल बनेगा इसका हलवा। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो 3-4 दिन पहले मैंने भी पोहा बनाया था, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं दोबारा पोहा ट्राई करूं। लास्ट टाइम मैंने जब पोहा बनाया था, फर्स्ट टाइम बनाया था, तो मुझसे हाँ मतलब ठीक ठाक बन गया था। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं फिर से ट्राई करूँ। आज मैंने एक दो चीज़ और एक्स्ट्रा डाली है और आप यकीन नहीं करोगे, आज तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना है। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम आपके साथ में ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, आप भी घर में ज़रूर ट्राई करना। रेडी हो गया है और मैं बिल्कुल चाय नहीं पीऊंगी। रियांश कहाँ गए? क्या लेके आना है? छोले कुलचे। छोले कुलचे, छोले कुलचे, चलो बाय, चलो बाय। तो फ्रेंड्स के यहाँ मम्मी जा रहे हैं महरूली, मम्मी को लेना है अपना होली के लिए सूट, और राजी हो रही है। वो कौन सा सूट था? बेकार सूट था, वो तो सस्ता सूट था। तो अभी 1 महीने से भी ज्यादा बाकी है होली को, और मम्मी का चा चढ़ रहा है होली के सूट का। तो जाके देखते हैं क्या पसंद आता है। आज यहाँ देख लो, अच्छे मिलते सूट थे। आप एक छूट ले जाओगे 10-15 साल 20 साल में, साफ ही माल लाना पड़ता है ना। धीरे धीरे सब आपको वहाँ देखने लग जाएगा, खुद ही दिख जाएगा, बॉर्डर की लाइन लगने लग गई। सेम आ रहा है 1800 रुपए। एक अपना यहाँ ये माल रखेगा ऊपर जो स्टार वाला डिजाइन है अपना, मेहंदी कलर को दे दिया। ये देखो जरा पीस, आप कलर एक और भी बेहतर बिकता है। छोटा लग रहा है, छोटा नहीं है मुड़िया। नहीं नहीं मैरोडी बना दिया है। और कुछ 1800 नंबर बताओ। 120 रुपये। ये होते कंपनी की। एक बार फिर खींच के कर लो। नहीं 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 ये का
ब्लैक देख लो, ब्लैक दे दो। तो आ गए हम सब्जी मंडी। नींबू रखे हैं घर पे? ले लो नींबू। और वहाँ पत्ती को ले लो, ये ले लो। धनिया दे दे, पांच ही ले लो, सही है। ठीक है, ले लो। ये भी ठीक है, चार हो गई। एक और ले लो, 100 किलो हो जाएगी। सुबह कोशिश की हवा चल रही है। बस अब जल्दी सामान लेके अपना घर भी जाएंगे। हम आ गए हैं मेहरूली की सब्जी मंडी और सब्जी खरीद रहे हैं। गाजर इससे मोटी गाजर नहीं है? लाल मिर्च कैसे थी भैया? 20 रुपये जी। ये देखो, पाव ले लो, एक बार ही बन जाएगी। चल पड़ी ये देखो, ये दो 3 किलो ले लो। हाँ 3 किलो कर दिया, अभी नहीं, अभी नहीं। कितने रुपए किलो है? 20 रुपये किलो। 60 परचू के दुकान है क्या? हाँ हाँ, बहुत है। 1 किलो कौन जो स्कूटी पे था? दो ही लाइयो, दो बहुत है। वो ना नहीं, ये ना एक अभी आएंगे मार्केट। A few moments later. ये ले, तो ये ले जा। उठा। हाँ नहीं, मेरे ऊपर है। ये ले, एक गाजर ले जा। बस ये दो चीज भारी थी। दोनों की हाफ हाफ है। खा लो छोले भटूरे, खा लो छोले भटूरे, खा लेना। और तेरा ये भी आ गया। अपनी
बाकी की स्ट्रॉबेरी रख दी फ्रिज में। कल सुबह लंच के लिए भिंडी की सब्जी और रोटी। ठीक है, अब नहीं कोई बोल दे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो हम सब्जी लेके आए थे बस अब यही सेट कर रही हूँ। और फिर एक और चीज़ लेके आई हूँ मैं स्पेशल, आंवला, जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। आंवला है जो मतलब उसका बनेगा अचार, और उसका अचार आंटी इतना ज़्यादा टेस्टी बनाती है। हमारी एक आंटी है, उन्होंने मतलब अचार दिया था, घर पे ही बनाया था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो अभी तो फ़िलहाल उसको उबाल कर धूप में ही सुखाएंगे। जब आंवले का अचार बनेगा तो आपको मैं उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ आलू और आल की सब्ज़ी। तो आज मैं थोड़ा अलग स्टाइल में बनाने जा रही हूँ, हमेशा मैं कुकर में ही बनाया करती थी, तो सोचा क्यों ना आज अलग तरीके से बनाई जाए। और मैंने लंबी मैंने प्याज काट दी है, हींग और जीरा पहले डाल दिया था फिर प्याज डाली है। प्याज को भूनने के बाद इसे मैंने डाला है लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, और इसमें सिर्फ 3-4 मसाले ही जाएंगे, जैसे कि धनिया पाउडर, गरम मसाला हम डालेंगे लास्ट में, और धनिया पाउडर, हींग, हल्दी पाउडर, नमक, सिर्फ यही चीज़ जाएगी। और ये मसाले भूनने के बाद इसमें हम आलू और आल डालेंगे। तो फ्रेंड्स, और बस इसको भी रेडी है, सैलेड भी रेडी है, बस अब रोटी बना रही हूँ। ये आ गए जिमने के लिए। तो फ्रेंड्स, सब्जी ट्राई करी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अगली बार से जब मैं सब्जी बनाऊंगी ऐसे ही बनाऊंगी। प्लीज़ मेरी रसोई को भी इग्नोर करना, क्योंकि अभी खाना बन रहा है। खाना जब बनता है तो रसोई सबकी ऐसी ही हो जाती है। खाना खा लेना, प्लेट ले चल। ले, माँ को रोटी दिया। एक प्लेट देना ऊपर से। सीट पे डाल दो क्या? हमने तो भी डाल दिया। नहीं, अभी खाओ, काम खत्म होगा फिर पढ़ना है। हाँ, मतलब चाचू के। चाचू के? हाँ। क्या? शूज। अरे वो ही गिफ्ट जो दिए थे मैंने। जो मोहित ले गया था? हाँ, वो ही वाले। अब नहीं खा लेना। नहीं, अब नहीं बेटा, अभी खा ले, पता लग जाएगा रोटी का। अब नहीं खा ले बेटा, दो बना दो ना। अब नहीं, दो बनाऊंगी। नहीं बेटा, दो रोटी खानी है। ठीक है। फ्रेंड्स, काम हम सब खत्म हो गया है, डिनर भी हो गया हमारा, और अब मैं काटूंगी भिंडी। ये देखिए तैयार है हमारी भिंडी, क्योंकि सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और भिंडी काट दूंगी अभी से ही, तो सुबह जल्दी भी लंच बन जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गाजर घिस चुकी है, और कल बनेगा इसका हलवा।
रसोई का भी काम खत्म। तो फ्रेंड्स रात के हो गए हैं 11:15 और बस अब सोने की तैयारी है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है मेरी आईज रेड हो गई है। तो चलो कोई नहीं, अब मैं पानी के छिपके मार लूँगी फिर ठीक हो जाएगी। और फ्रेंड्स कल बनने वाला है घर में गाजर का हलवा। और बल्कि हमारे यहाँ पर सर्दियों में इस सीज़न में तो एक ही बार बना है, जब सर्दी स्टार्ट हुई थी तभी बना था। और फिर कल बाई चांस ही बन रहा है क्योंकि पापा इतने सारे गाजर लेके आ गए थे पहले, मतलब 2-3 दिन लगातार लेके आ गए, मतलब सब्जी के लिए लेके आए थे। सब्जी घर में गाजर की इतनी कोई नहीं खाता, जस्ट सिर्फ मम्मी मैं और पापा को छोड़कर। तो फिर सब गाजर इतनी रखी थी तो हमने सोचा कि भाई गाजर वेस्ट ना हो जाए। रायता भी हमने इतना बना लिया था, सब्जी भी इतनी बनाई थी, बट फिर भी गाजर बहुत बच गई थी। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना गाजर का हलवा बनाया जाए। तो फिर गाजर उसके लिए थोड़ी कम थी, गाजर के हलवे के लिए। तो हम फिर आज मेहरोली गए तो उसके लिए गाजर लेके आए। तो आज गाजर वाजर तो घिस दी है, गाजर तो आज घिस दी है और बस कल सुबह बनेगा गाजर का। सुबह ही बना देंगे गाजर का हलवा, इतने बच्चे स्कूल से आएंगे तो शायद इतने बन भी जाएगा गाजर का हलवा। और बच्चों का सिर्फ बस अब फरवरी ही एग्जाम चलेंगे, 1 मार्च तक बच्चों के एग्जाम खत्म और पूरे मार्च बच्चे करेंगे मस्ती ही मस्ती। बच्चे क्या, बच्चे की मम्मा भी मस्ती करेगी। और फिर हम मार्च में जाएंगे, मतलब मार्च में मैं जाऊँगी मायके, करेंगे शॉपिंग क्योंकि सीमा भी फिर घर आएगी अगले महीने ही और उसके भी शॉपिंग वगैरह करनी है काफ़ी। और शॉपिंग हम क्या करेंगे, कब करेंगे, वो भी मैं पूरा ब्लॉग बनाऊंगी आपके साथ, हर चीज़ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स अब काफ़ी लेट हो गया है तो आपसे अलविदा चाहती हूँ। आपको भी राज के ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना। बाय बाय।